इन दिनों देश में साधु संतों को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है। ऐसे में आज कटगी वाला आपको एक साधु के बारे में एक ऐसी कहानी बताएगा जिसको सुन करके आप भी कहेंगे कि हाँ, हमें केवल अपने से मतलब रखना चाहिए और लोग क्या कहते हैं उस पर हमको बहुत ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ योगेश मिश्रा और आपका स्वागत है कटगी वाला कहता है मैं। आज मैं आपको एक साधु के बारे में एक कहानी बताने वाला हूँ। एक साधु बिहड़ क्षेत्र में एक तालाब के किनारे पत्थरों के बीच सोए रहते हैं। वो पत्थर का ही तकिया बना करके बड़े सुकून के साथ आराम करते रहते हैं। तभी जब उस तालाब में कुछ महिलाएं पानी भरने आती हैं, वो साधु को देखकर कहती हैं कि देख रहे हो, इस साधु को अभी भी आराम से सोने का मोह नहीं गया है और इसीलिए ये पत्थर को ही सही तकिया बनाकर आराम से सो रहा है। जिसके बाद साधु जब उठते हैं और महिलाओं की बात को सुनते हैं तो उनको ये लगता है कि महिला मुझको लेकर के बहुत बड़ी बातें कह रही हैं और मुझे इस तकिए को, यानी कि पत्थर के तकिए को फेंकना पड़ेगा। उसके बाद गुस्से में आकर के और दुखी मन से साधु नींद से जागते हैं और उस पत्थर रूपी तकिए को फेंक देते हैं। जैसे उस तकिए को वो फेंकते हैं, दूसरी महिला देख लेती हैं। दूसरी महिला कहती हैं कि देख रहे हो, इस साधु को इसे अभी भी गुस्सा आता है, इसके अंदर से अभी भी गुस्से का भाव नहीं गया है और ये पूरी तरह से साधु नहीं बन पाया है। जिसके बाद साधु बहुत तनाव में आ जाते हैं और उसके बाद निराश होकर के वहाँ चुपचाप बैठ जाते हैं। ऐसे में जब गुस्से में तालाब के तरफ साधु निहारते रहते हैं तो दूसरी महिला उनको देख कर कहती है कि देख रहे हो साधु को, कितने गुस्से में तालाब को ऐसे देख रहे हैं, जैसे लग रहा है इनके गुस्से में आकर तालाब को ये सुखा देंगे। उसके बाद साधु बहुत नाराज हो जाते हैं और वहाँ दुखी मन से चुपचाप बैठ जाते हैं। तभी एक महिला, एक बुजुर्ग महिला उन साधु के पास में आती हैं और साधु महात्मा से कहती हैं कि हे महात्मा, आप लोग ही तो हमको जीवन का सार बताते हैं, आप लोग ही तो हमको बताते हैं कि हमको कैसे जीवन जीना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। ऐसे में आज आप एक महिला की बात को सुन करके अपनी बातों को लगातार बदल रहे हैं, अपनी धारणाओं को बदल रहे हैं। ऐसे में आवश्यक ये है कि आप लोगों की बात को अनसुना करें। अगर आप लोगों की बात को सुनते रहेंगे तो कोई आपको कहेगा कि ये टी शर्ट अच्छा नहीं लग रहा है, इसको बदल देना चाहिए। जब आप टी शर्ट को बदलेंगे तो कोई कहेगा नहीं यार, ये रंग का शर्ट अच्छा नहीं लग रहा है। जब आप बाइक में घूमेंगे तो कोई बोलेगा कि ये बाइक इस पर सूट नहीं कर रहा है। जब आप कार में घूमेंगे तो आपको कोई बोलेगा, अरे यार कार छोटी हो गई, बड़ी कार लेनी चाहिए आपको। मेरा सहयोगी प्रकाश कैमरा चला रहा है, अगर वो चश्मा लगाएंगे तो लोग बोलेंगे, अरे यार तुम दिन को कहाँ चश्मा लगाया हो, दूसरा वाला चश्मा तुमको लगाना चाहिए था, स्पोर्ट्स वाला। तो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो अपने अपने तरीके से आपको देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके तरीके से आप रहिए। लेकिन ज़रा सोचिए कि हम भी अगर साधु की तरह औरों की बात को सुनकर अपने सुकून को त्यागते रहेंगे, यानी कि अपने तकिए को फेंकते रहेंगे, या महिलाओं की बातों को सुनकर, किसी और की बातों को सुनकर गुस्सा करते रहेंगे, तो उसका नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? केवल हमको। इसीलिए हमेशा ये सोचना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं, इस पर गौर नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो करने का मन करता है, वही आप करिए। एक बहुत सुप्रसिद्ध मुनिश्री हुआ करते थे तरुण सागर जी महाराज। वो अक्सर कहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्योंकि हम अक्सर ये सोचते हैं कि मेरा ये करने पे लोग क्या कहेंगे, अगर मैं वैसा कर दूंगा तो लोग क्या कहेंगे। नहीं सोचना है, आपको जो अच्छा लग रहा है, आपके मन को जो भा रहा है, आपको जो करने का मन कर रहा है, आप आराम से अपने मन से करिए। अगर आप औरों की बात सुनते रह जाएंगे तो कभी भी आप सुखी नहीं रह सकते। उम्मीद है साधु की इस कहानी से आपने कुछ सीखा होगा। मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैंने कोशिश की है कि इसको जीवन में उतारूं। इसीलिए अपन बिंदास रहते हैं और बिंदास रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप औरों की बातों को सुनने लग जाएंगे तो आपका ध्यान केवल औरों पर ही रहेगा, आप पर आपका ध्यान नहीं आ पाएगा और आप अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी बातें ज़रूर रखिएगा। अगर कुछ और स्टोरी आपको बनवानी हो या कोई बातें बतानी हो तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, साझा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कैमरे के पीछे बहुत मेहनत से प्रकाश दोनों हाथ को मोड़ कर खड़े हुए हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो, तो उनका धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।